Hello guys and welcome back to San Kustom Garage once again. So ये साल 2020 का पहला वीडियो है. Of course आपने बिल्कुल सही सुना, पिछले साल तो मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड किया और अब बारी आती है इस नए साल की. So मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. वेल मैंने पहले तो आप लोगों को विश ऑलरेडी कर ही दिया है, लेकिन फिर भी एक और बार विश करना वैसे भी बनता है और इसलिए ये आज इस साल का पहला वीडियो है. और इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एक और बार एक बहुत ही कूल कस्टमाइज स्केल मॉडल, जो कि एक्सवेली में एक 132 स्केल की मॉडल है. और ये कार है सेंटी टॉयज की रेनॉल्ट डास्टर, लेकिन कोई ऐसी वैसी डास्टर नहीं बल्कि इसे पूरी तरह से मेल, आप इसे एक ऑफ रोड एडिशन भी कह सकते हैं, जिसे पूरी तरह से हाई परफॉर्मेंस ऑफ रोड कार्स की तरह मॉडिफाई किया गया है. सो क्या उस कार को देखने के लिए तैयार हो? ओके तो कार बस यहाँ आने ही वाला है. 1 2 एंड रे टैंड्रन द फुल्ली कस्टमाइज्ड रेनॉल्ट डास्टर फ्रॉम सेंटी टॉयज. ये देखिए, जिसे आप कह सकते हैं द स्पेशियल ऑफ रोड एडिशन. ब्लैक व्हील्स, कार्बन फाइबर रूफटॉप, सिल्वर डिटेलिंग, इवन हर एक एक चीज पे ही सैन कस्टम ग्रास का खुद का स्टाइल. सो उससे पहले कि मैं आप लोगों को इस कार के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताऊं, चलिए कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं. हाँ कार का एक छोटा सा रिव्यू. ये रिव्यू ना लंबा तो नहीं था, लेकिन एडिस मैंने आपको दिखा रहा कि कार का लुक एक्चुअल में कार कैसी दिखती है. सो अभी मैं आपको इसके सारे मॉडल के बारे में बताना चाहूंगा. तो ये ओरिजिनली सेंटी टॉयज की रेनॉल्ट डास्टर मॉडल था, लेकिन इसे पूरी तरह से कस्टमाइज किया गया है और वो भी मेरे खुद के अंदाज में. अगर आप इस कार को अभी आप देखें तो ये बिल्कुल भी सेंटी टॉयज की रेनॉल्ट डास्टर जैसे नहीं लग रही है, बल्कि एक बहुत ही हाई क्वालिटी स्केल मॉडल की तरह दिख रही है. जैसे सेंटी टॉयज के मॉडल तो ओरिजिनली हाई क्वालिटी है, लेकिन ये कार और भी ज़्यादा हाई क्वालिटी दिख रही है क्योंकि इसे पूरी तरह से कस्टमाइज किया गया है. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फ्रंट एंड के बारे में बताना चाहूँगा. तो फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में आप लोगों को काफ़ी सारे मॉडल्स नजर आएगा. आपको ग्रिल में क्रोम और व्हाइट कलर का दोनों एफेक्ट नजर देखने को मिलेगा. ये व्हाइट कलर की डिटेलिंग जो कि काफ़ी बहुत DRL लाइट्स की तरह दिख रही है और इनकी वजह से कार वाकई में कमाल की दिख रही है. आपको DRL टाइप का ये ट्रिम्स नीचे भी देखने को मिलेगा और ये फॉग लैम्प्स तो वैसे ओरिजिनली ही सिल्वर कलर की ही है, उन्हें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है. लेकिन अगर हेडलाइट्स की बात करें तो आप लोगों को हेडलाइट्स में भी काफ़ी बहुत प्रोजेक्टर टाइप का लुक देखने को मिलेगा, लेकिन क्रोम की वजह से काफ़ी बहुत प्रोजेक्टर वैसे इतना से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है. और ग्रिल के एकदम बीच में आप लोगों को रेनॉल्ट का लोगो भी देखने को मिलेगा, जो कि ओरिजिनली नहीं था लेकिन मैंने इसे खुद लगा दिया है. और इनकी वजह से कार सामने से कमाल की एक रियल ऑफ रोड कार जैसे दिख रही है. सो नेक्स्ट बार आती है साइड प्रोफाइल की. अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आप लोगों को व्हील्स ब्लैक कलर के देखने को मिलेगा. सो ओरिजिनली इस कार में व्हील्स पूरा क्रोम था और वो मुझे खास पसंद नहीं आया. और वैसे भी ये ऑफ रोड कार है और ऑफ रोड कार्स में ज़्यादातर ब्लैक व्हील्स ही देखने को मिलता है. मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए व्हील्स को पूरी तरह से ग्लोजी ब्लैक कलर में रीपेंट कर दिया. ये इतनी अच्छी तरह से पेंट हुआ है कि कोई भी नहीं कहेगा कि इन्हें रीपेंट किया गया है. ऐसा लग रहा है कि व्हील्स ओरिजिनली ब्लैक कलर की है. ये वाकई में कमाल के स्टाइल में रीपेंट हुआ है और इसकी वजह से कार्स काफ़ी कमाल की दिख रही है. आप लोगों को व्हाइट डिटेलिंग यहाँ नीचे वाले इस हिस्से में नजर आएगा और यहाँ पर डोर हैंडल्स में भी आप लोगों को व्हाइट डिटेलिंग नजर आएगा. यहाँ तो रूफ रेल्स है, रूफ रेल्स में भी आप लोगों को व्हाइट डिटेलिंग नजर आएगा, जिसकी वजह से कार वाकई में कमाल की दिख रही है. इनमें वैसे ओरिजिनली तो मैंने कार खरीदा था, यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर एडिशन टाइप का कुछ डिगल्स लगी हुई थी, सामने एक स्ट्राइबी था और वो वाले स्टिकर्स मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे वो कार पसंद नहीं आया और मैं इस कार को अपना खुद का लुक देना चाहता था. सो नेक्स्ट बार आती है रियर एंड की. अगर रियर एंड की बात करें तो रियर एंड में एक्चुअली में रियल मॉडिफिकेशन किया गया है, वो आप कह सकते हैं, क्योंकि पीछे के विंडो को आप देख सकते हैं कि ग्लिटर ब्लैक कलर की विंडो टिंटिंग कर दिया गया है. इन विंडो टिंट्स में आप देख रहे हैं कि आप लोगों को ब्लैक कलर का, वेल सर्विस तो ब्लैक कलर की है, लेकिन उसमें आप लोगों को काफ़ी बहुत नाइट स्काई की तरह ग्लिटर इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कार कमाल की दिख रही है. टेललाइट भी पूरी तरह से ब्लैक कलर में रीपेंट कर दिया गया है. और यहाँ पर जो विजन, यहाँ पर एक ऑफ रोडर बैजिंग लगी हुई थी जो कि ओरिजिनली था. मैंने ऑफ वाले हिस्से में ये ट्रिम लगा दिया, लेकिन नीचे रोडर वाले जगह में अभी वेल रेड रोड देखने को मिलता है. यहाँ पर DCI वाला बैजिंग भी ओरिजिनल ही था और ये डस्टर वाला लाइसेंस प्लेट ओरिजिनली कार में आया था. आप लोगों को रेनॉल्ट की लोगो भी बीच में देखने को मिलेगा, जो कि मैंने खुद लगाया है क्योंकि ओरिजिनली कार में कोई भी रेनॉल्ट का लोगो नहीं था. ये सिल्वर डिटेलिंग जो कि मैंने खुद पूरा किया है क्योंकि ओरिजिनल कार में नीचे कुछ था ही नहीं. यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर्स था बम्पर्स का, मैंने उन्हें पूरी तरह से ढाक दिया और इसकी वजह से कार कमाल की दिख रही है. अगर रूफ टॉप की बात करें तो रूफ टॉप में आप लोगों को थोड़ी कार्बन फाइबर टाइप का लुक देखने को मिलेगा, पूरी तरह से ग्रे कलर की वाइनल रैपिंग,
यहाँ पर वैसे एक सनरूफ भी था जो कि मैंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि सनरूफ वैसे भी ओरिजिनली रेनॉल्ट डस्टर में वैसे है या नहीं वो मैंने नोटिस नहीं किया है, लेकिन मुझे सनरूफ कुछ खास पसंद नहीं आया। और वैसे भी मैं इस कार को थोड़ी बहुत ऑफ रोड टाइप की लुक देना चाहता था। अगर आप इसे कोई जानता है कि ओरिजिनल रेनॉल्ट डस्टर में सनरूफ है या नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्चुअली में मैंने कभी भी ओरिजिनल रेनॉल्ट डस्टर को अच्छे से चेक नहीं किया है, और इसलिए ही मैं नहीं जानता कि ओरिजिनल कार में सनरूफ है या नहीं। मेरे ख्याल से तो शायद है या नहीं, मैं नहीं जानता, आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में भी आप लोगों को काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन नज़र आएगा। यहाँ पर डैशबोर्ड और स्टेयरिंग व्हील जैसे सीटों पर आप लोगों को ये ब्लैक डिटेलिंग नज़र आएगा। यहाँ पर जैसे कि जो सीट की हेडरेस्ट है इनमें भी आप लोगों को डिटेलिंग नज़र आएगा, और डोर पैनल्स भी देख सकते हैं कि इंटरनल डोर पैनल्स जिनमें भी काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन किया गया है। और उसकी वजह से ये कार वाकई में कमाल की रेट्रो टाइप लुक मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो एक असली कार मैंने हाथ में ले लिया है, एक असली ऑफ रोड एडिशन कार की तरह दिख रही है। ये वाला हिस्सा भी ब्लैक कलर का दिया गया है जिसकी वजह से वाकई में कार कमाल की दिख रही है। पूरी दुनिया में आप लोगों से कहने पर भी इस तरह की मॉडिफाई की गई रेनॉल्ट डस्टर और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इवन रियल लाइफ में भी किसी ने भी एक ऐसी कार तैयार नहीं किया है। तो चलेगा जबकि लेना ही, फिर मुलाकात होगी मेरी एक और नई ब्लॉग में जिसमें मैं आप लोगों को ऐसे ही और भी कमाल की कस्टमाइज की गई स्केल मॉडल कार्स दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन सो आई विल गेट नोटिफिकेशन एवरी डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टिंग 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 डिंग डिंग डिंग। सो मेरे स्केल मॉडल कलेक्शन में काफ़ी सारे ऐसे भी मॉडल्स हैं, लेकिन ये वाला हमेशा से मेरा फेवरेट है क्योंकि इसकी स्टाइलिंग वाकई में मेरी को फेवरेट में से ही एक है। और ये मानना होगा कि ये कार वाकई में काफ़ी हैवीली मॉडिफाइड स्केल मॉडल है। हाँ।